को एक नदी का नाम देने वाले आचार्य रजनीश का पूरा जीवन काफी रहस्यमय रहा, इसलिए उनको लेकर लोगों के अलग अलग विचार हैं। उनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था, लेकिन लोगों ने उन्हें ओशो बना दिया। ये शब्द लैटिन भाषा के ओशोनिक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। अपने संपूर्ण जीवन में आचार्य रजनीश ने बोल्ड शब्दों में रूढ़िवादी धर्मों की आलोचना की, जिसकी वजह से वे बहुत ही जल्दी विवादित हो गए और ताउम्र विवादित ही रहे। आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में उन्होंने 1960 के दशक में भारत की यात्रा की। उनके बोल्ड विषय पर दिए गए भाषण आज भी चर्चा और बहस का विषय है। वैसे उनका जन्म भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन शहर के कुछवाड़ा गाँव में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में पूरी की और बाद में वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। साल 1981 से 1985 के बीच वो अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने अमेरिकी प्रांत ओरेगन में आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था, जिसमें भोग विलास की सारी वस्तुएं थी। इस कारण ही वो दुनिया की नजर में चढ़ गए। उनके आश्रम में महंगी घड़ियां, रोल्स रॉयस कारें थी, जिसके कारण वो हमेशा चर्चा का विषय बने रहे। अमेरिका में जब उन्होंने अपना आश्रम रजिस्टर कराना चाहा तो उनका विरोध हुआ, जिसके कारण उन्हें 1985 में भारत आना पड़ा। भारत लौटने के बाद वे पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में स्थित अपने आश्रम में लौट आए। वे दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे। वे काम के प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण के हिमायती थे, जिनकी वजह से उन्हें कई भारतीय और फिर विदेशी पत्रिकाओं में सेक्स गुरु के नाम से भी संबोधित किया गया। उनके पुणे के आश्रम में देसी कम विदेशी ज्यादा थे, जिसके कारण भी तो विवादों के घेरे में रहे। कहा जाता है कि ओशो फ्री सेक्स का समर्थन करते थे और उनके आश्रम में हर सन्यासी एक महीने में करीब 90 लोगों के साथ सेक्स करता था, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है आज तक किसी को मालूम नहीं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि ओशो ने धर्म को एक व्यापार बनाया और खुद सबसे बड़े व्यापारी बन गए थे। उन्होंने अपने जीवन में कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से संभोग से लेकर समाधि तक नामक पुस्तक ने उन्हें विवादों की चरम पर पहुंचाया। वे केवल अमीर लोगों के समीप रहते थे, उन्होंने पूंजीवाद को भी बढ़ावा दिया। ओशो बेहतरीन तर्कशास्त्री थे और अपने तर्कों द्वारा सही को गलत और गलत को सही कर देते थे। 19 जनवरी 1990 को रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले ओशो ने कहा था कि मौत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। भगवान श्री रजनीश के नाम से पुकारे जाने वाले ओशो के कुछ अनुयायियों का मानना था कि उनके गुरु को उनके कुछ विश्वस्त सहयोगियों ने जहर दे दिया था। उन लोगों की नजर ओशो की अकूत संपत्ति पर थी। फिलहाल आज भी ओशो की मौत से जुड़े सवालों के जवाब लोगों को नहीं मिले हैं। ओशो की माँ भी इन दिनों पुणे में कम्यून के पास ही रह रही थी। उन्हें भी बेटे की हालत की न तो सूचना दी गई, न ही बेटे से मिलने के लिए बुलाया गया। इस पर यही तर्क दिया गया कि अगर वो आती तो रोने लगती, जो ओशो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। हमारी मुख्य प्राथमिकता ओशो को उन अंतिम लम्हों में शांति देना था। किताब कहती है, डॉक्टर गोकानी का कहना था, जब उन्होंने इन अनुयायियों से ओशो की मृत्यु की वजह पूछी तो दोनों ने कहा यह हार्ट अटैक से मरे हैं। जब डॉक्टर के 25 साल बाद मुंह खोलने की मंशा के बारे में सवाल उठाए गए तो उन्होंने कहा कि ओशो के अन्य करीबियों से बात करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि ये मामला गंभीर है। दोनों करीबी अनुयायी कुछ बोल रहे थे और दूसरे लोग कुछ और। तब शक और गहरा गया। किताब कहती है ये शक तब और गहरा गया जबकि ओशो के निधन के 41 दिनों के अंदर ही उनकी महिला मित्र माने जाने वाली क्रिस्टीना वोल्फ स्मिथ, जिन्हें निर्वाणों के नाम से भी जाना जाता था, की भी मौत हो गई। जिस जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार किया गया उसने और सवाल खड़े किए। ओशो के निधन पर जो अधिकाधिक बयान
दिया गया उसमें बहुत कमियां हैं। किताब लिखने वाले वेद ने करीब 3 दशकों की जांच और रिपोर्टिंग के बाद ये किताब लिखी। वेद एक नेशनल अखबार के वॉशिंग कॉरेस्पॉन्डेंट रहने के साथ भारत में एडिटर भी रह चुके हैं। उन्होंने ओशो के कई करीबियों से बात की, दस्तावेज खंगाले। किताब उस तरह तक जाती है जबकि ओशो ने नव संन्यास मूवमेंट को शुरू किया था। बड़े पैमाने पर लोग उनकी ओर खींचते चले आए थे। ओशो अपने क्रांतिकारी विचारों और आइडियाज के लिए जाने जाते थे। ध्यान की अलग तरह की तकनीक उन्हें ही दुनिया भर में एक अलग पहचान दी।